चुनाव की तारीख पास आने के साथ महाराष्ट्र चुनाव जोर पकड़ने लगा है। अमित शाह राज्य में बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाने वाले चीन को सख्त संदेश देते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में हमारा साफ स्टैंड है कि हम लोग किसी भी मुल्क की दखल अंदाजी कश्मीर मुद्दे पर नहीं चाहते हैं। शाह ने कहा कि मोदी जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि कश्मीर हमारा आंतरिक मसला है और इसमें किसी भी देश के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। इसके साथ शाह ने इंग्लैंड के प्रतिनिधिमंडल के साथ कश्मीर का मुद्दा उठाने को लेकर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए राहुल से सवाल पूछा कि विदेशी नेताओं के साथ कश्मीर की चर्चा करके आपकी पार्टी क्या संदेश देना चाहती है। कश्मीर के अंदर आज ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है। मैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, अपने देश की चर्चा इंग्लैंड के नेताओं के साथ करकर आपकी पार्टी क्या करना चाहती है? आप कश्मीर के मामले को इंग्लैंड के नेताओं को दखल देने के लिए खुला छोड़ना चाहते हो? देश के सामने कांग्रेस पार्टी ने स्पष्टता कर दी थी, देश के सामने